इलेक्शन मिल गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीब मकान प्राप्त कर लिए। और मोदी जी ने कहा है गरीब कल्याण अभी संकल्प पत्र में कि जितने बाकी बचे होंगे अगले 5 वर्ष में उनको भी एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। ये जितना काम मोदी जी ने किया है क्या चेहरा देख करके दिया है क्या? न किसी की जाति पूछी गई, न किसी का मत पूछा गया, न किसी का मजहब पूछा गया। मोदी जी ने तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ पूरे देश के अंदर समान रूप से पूरे देश का विकास किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है, इस नए भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मतलब आप में से हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर किसान को आत्मनिर्भर बनाना, हर हस्तशिल्पी को आत्मनिर्भर बनाना, हर बहन और बेटी को आत्मनिर्भर बनाना, हर व्यापारी के व्यवसाय को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना, सुरक्षा का और भी बेहतर मॉडल प्रस्तुत कर देना, और यह कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और आवाज आप भी समझ रहे होंगे। मैं आपसे केवल पूछना चाहता हूं, जो सुरक्षा का ये वातावरण है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते क्या? आज जो एक गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते क्या? अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग बना पाते क्या? नहीं बना पाते ना। और इसीलिए पूरे देश के अंदर आवाज आई है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या फिरोजाबाद भी सहमत है क्या? फिरोजाबाद और सिरसागंज भी सहमत है क्या? जोर से दो दिनों हटा करके मुझे बताओ ना, पूरे यहां से आवाज जानी चाहिए। डर के मारे क्यों? अरे देखो, यहां तो आप देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए, और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा पे भी भेज दिया गया। चले गए ना। अब मुझे बताओ, इस सपा बसपा के लोग क्या बात करते हैं? इनसे पूछना चाहिए।